तो उसमें संविधान समाप्त करने के लिए लोग लगे हुए हैं, लोग चाहते हैं कि संविधान समाप्त हो जाए। कुछ लोग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जबलपुर आए हुए और उन्होंने संसद में कहा था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा था कि हम कोई आरक्षण को नहीं मानते और हम आरक्षण को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अनंत हेगड़े ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम संविधान को समाप्त करेंगे, संविधान को हम बदलेंगे। आज संविधान खतरे में है दोस्तों, ये संविधान है तो हम साहू समाज के हैं, हम तेली समाज के हैं और हमें आज सबके बराबर सबके सामने बैठने का अधिकार मिला है। ये मनुस्मृति जो पहले थी, तो मनुस्मृति कानून पहले थी, हमें एक साथ बैठने का अधिकार नहीं था, संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था संविधान की मैं रक्षा करूंगा और संविधान की शपथ ली थी उन्होंने। लेकिन दोस्तों वही श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। आप बता दीजिए कि संसद में संविधान को बचाने की शपथ लेने के लिए जिन लोगों ने शपथ ली थी संविधान को बचाने की, संविधान की शपथ ली थी, आज उन्होंने संसद में क्या बोला, आरक्षण को मैं नहीं मानता, किसी प्रकार के मैं सामाजिक आरक्षण को नहीं मानता। और उनके लोगों ने कहा कि संविधान को समाप्त करना जरूरी है। क्या ऐसे लोगों को आप चुनना चाहेंगे? आज उनके उम्मीदवार आपके बीच खड़े हैं और कांग्रेस 70 साल जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिसने देश को लूटा, एक पर एक घोटाले किए, आज ये बात साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। विपक्ष के लोगों के ऊपर एक पर एक घोटाले का आरोप लगा करके आज भाजपा ने साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर दी है। दोस्तों कुछ लोग व्हाट्सएप में लिखते हैं चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर, क्या सच है, क्या चंदा चोर सही में है? दोस्तों ये कहते मैं हिंदू हूं लेकिन पाकिस्तान के मीट निर्यात करने वाली, मीट आयात करने वाली जो कंपनी है उससे चंदा लिया है और चंदा लेकर के भारत में सबसे ज्यादा गाय कटवाया है और गाय कटवा करके इसने दुनिया को निर्यात किया है। आप बताइए इसे असली हिंदू कहेंगे कि नकली हिंदू कहेंगे? तो दोस्तों असली हिंदू एक बार, नकली हिंदू बार बार, नकली हिंदू बार बार, नकली हिंदू बार बार, पर असली हिंदू एक बार। दोस्तों हम कहते हैं हमारा मानना है मांस मांस सब एक है, हिरनी मुर्गी गाय आंख देख नर खात है वो नर जग से जाए। तो दोस्तों हम हर मांस का विरोध करते, चाहे वो मांस सुगर का हो, चाहे मांस गाय का हो, चाहे वो मांस बकरी का हो, चाहे वो मांस मुर्गे का हो, ये सब समाप्त होना चाहिए। लेकिन ये गाय का मांस कटा करके अपने को हिंदू साबित करते हैं, ऐसे लोगों का आप बहिष्कार करोगे या नहीं? ऐसा होना चाहिए, आप सोचिए विचारिए। जो चंदा चोर हैं क्या उनको आप वोट दोगे? 70 साल जिसने संविधान को समाप्त, जातिगत जनगणना नहीं करवाई, ओबीसी का आजादी के बाद से आज तक जातिगत जनगणना नहीं कराने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। और उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा मैं जनगणना नहीं कराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में कहा मैं जनगणना नहीं कराऊंगा। जातिगत जनगणना होने से ओबीसी एससी एसटी की कितनी आबादी है इसका पता चल जाएगा, और इसका पता चल जाएगा तो उनको उनके आबादी के अनुपात से उनको भागीदारी मिलेगी। दोस्तों कांग्रेस वाले कहते हैं कि 5% लोग इस देश में हैं, 5% लोगों के हक की मात्र संसद में बजट पेश की जाती है जो ओबीसी के हैं। ओबीसी एससी एसटी को मिला करके जो अधिकारी हैं वो बहुत कम है संसद पर सेक्रेटरिएट में, और वो मात्र 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ये बात राहुल गांधी जी कहते हैं अपने भाषणों में, बात तो सही है। लेकिन राहुल गांधी जी से पूछिए कि जब आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार आपकी सरकार थी, आप उनके नियंता थे, आप उनके कंट्रोलर थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आपने कितने % ओबीसी को दिया था सरकारी नौकरियों में? तो दोस्तों भाजपा और कांग्रेस धोखा है,
भाजपा कांग्रेस धोखा है, गुणवाना गणतंत्र पार्टी लाइए, मौका है मौका है मौका है। गुणवाना गणतंत्र पार्टी हमारे नेता है कुलेश्वर सिंह मरकाम, हम आपके बीच आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं। ये देख लीजिए जा रही है, ये आपका लोहा का कच्चा है, कच्चा लोहा डंपर से ढोए जा रहे हैं, ये 10 पैसे प्रति किलो के हिसाब से शायद बिकते हैं, और ये जाते हैं भिलाई, ये जाते हैं रशिया और कई जगह जाते हैं। इस पर लोहा की इंडस्ट्री इसी अगरिया में लगाई जा सकती है, और जब लोहा की इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो बैंकों के पैसे से नहीं, हम संसद में जाके क्या करेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संसद में हम ये आवाज उठाएंगे कि इस जबलपुर जिला के 30 लाख लोग हर सप्ताह 100-100 रुपया देंगे, 30 रुपया होगा और 30 करोड़ रुपया होगा, और 30 करोड़ से हम लोहे की इंडस्ट्री लगाएंगे और उसका मुनाफा 30 लाख लोगों में बांटेंगे। सहकारी उद्योग लगेगा, और सहकारी उद्योग लगेगा तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हम इसके लिए संसद में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए और एक बार आरी के धार को मजबूत कीजिए। आरी का धार मजबूत होगा तो पंजा और फूल को हम काट करके हटा देंगे, ना बचेगा पंजा और ना बचेगा फूल। यदि आप देंगे आरी को मजबूती प्रदान करेंगे तो पंजा और फूल को हम देश से विदा करेंगे, हम अपने सांसदीय क्षेत्र से विदा करेंगे और हम इस प्रदेश से विदा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय ओबीसी, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय गरीब भाई बहनों, धन्यवाद।